अस्सलाम वालेकुम जी। आज व्यूअर्स को बताना है एक नई प्लांट के बारे में जो हमारे पास ग्रो हो रहा है, और प्लांट्स तो छोटे हैं लेकिन उसकी जर्मिनेशन प्रोग्रेस पर है और बढ़ रहे हैं। और ये है रेड कस्टर्ड एप्पल। रेड कस्टर्ड एप्पल का जो पिक्चर है इस वीडियो की तमने फ्रंट थंबनेल पर लगा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका फ्रूट उसी जो है ना कलर का है, और रेड कस्टर्ड एक तो येलो कस्टर्ड एप्पल भी होता है जो ग्रीन येलो टाइप का होता है, लेकिन ये रेड कस्टर्ड एप्पल है। तो ये प्लांट्स भी हमारे पास दस्तयाबी, ये तो फ़िलहाल सेल के लिए नहीं, लेकिन बस ये डिस्प्ले के लिए आपको बताना था कि भाई ये हमारे पास हैं, अभी शुरू हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह का हेल्दी प्लांट्स हैं, छोटे ग्रो बैग्स में हैं, और ये नायाब पौधे हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कम मिलते हैं, तो इसीलिए ये जो है ना जो प्लांट लवर्स हैं, जो प्लांट्स कलेक्शंस करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी एडिशन है जी। तो ये रेड कस्टर्ड एप्पल के अलावा ये कुछ प्लांट्स रवाना कर रहे हैं गुलरेज साहब हैं लाहौर का, उनके लिए नाशपाती, येलो नाशपाती का प्लांट, ये फ्लोरिडा किंग का आड़ू, और ये एक वॉयलेट हाइबिस्कस, पेकान नट्स का पौधा, ये पेकान नट्स के पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं, इस तरह का ग्रोथ है। और ये जो है आलू बुखारा ये, और दूसरा ये येलो कैनारी फ्लावर, ये जो है ये पहले इसका भी मैंने आपको तारुफ किया था, ये इंडियन वुड एप्पल, इंडियन वुड एप्पल का प्लांट है ये आप देख सकते हैं, इंडियन वुड एप्पल। इसका हमने इसके बारे में हमने कुछ हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी इंडियन वुड एप्पल का। तो ये और ये एना एप्पल के प्लांट्स है, तो ये गुलरेज साहब को रवाना कर रहे। ये दूसरा जो पार्सल है भटाबाद के लिए, डॉक्टर फरहान नकीब साहिबा भटाबाद के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए ये रवाना कर रहे हैं। ये ब्लैक शहतूत है, ये ब्लैक शहतूत है, ब्लैक ताई शहतूत जिसे ब्लैक ताई मलबरी कहा जाता है। और इसके अलावा ये एवोकाडो है, इस वेराइटी है एवोकाडो की, एवोकाडो प्लांट्स हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टेम शुरू हो जाती है और ये अच्छी स्टेम में सेहतमंद पौधे हैं। तकरीबन ये 3 फुट का पौधा है हेस एवोकाडो का। और इसके अलावा उन्हें चेस्टर ब्लैकबेरी, ये चेस्टर ब्लैकबेरी रवाना कर, ये जो लंबा पौधा है चेस्टर ब्लैकबेरी का, ये वाइट मलबरी का, ये पिंक मैसूर रेसबेरी का, ये जो है गोल्डन रेसबेरी के प्लांट्स रवाना करें उनके लिए। इसके अलावा ये सिल्वर बेरी, और सिल्वर बेरी के अलावा ये अंगूर का पौधा, अंगूर का सुंदरखानी अंगूर का, और ये जो है ब्लैकबेरी का तोरनी ब्लैकबेरी का पौधा, पेकान नट्स, और ये लॉन्ग चाइनीज़ मलबरी, लॉन्ग चाइनीज़ येलो मलबरी जो लंबा साव जो होता है वही शहतूत का पौधा, ये येलो के ना लीली फ्लावर प्लांट्स, और ये एक कीवी का की दो मेल और फीमेल पौधे रवाना कर रहे हैं। ये बड़े साइज गमले में होते हैं हमारे पास कीवी की प्लांट्स, ये कीवी मेल, इसको ये कीवी मेल है, कीवी मेल का पौधा है ये बड़े साइज गमले में, आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये तकरीबन 4 फुट का बेल है, और ये जो है ये कीवी फीमेल का प्लांट, ये भी लंबा काफ़ी लंबा बेल है, और ये बेलनुमा पौधा होता है, इसके लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये रवाना कर रहे हैं, इस गमले को आप देख सकते हैं, बड़े साइज़ का गमला है और उसी में हम रवाना कर रहे हैं। ये दूसरा पौधा जो है ये भी, ये पैर होता है, पैर कीवी का पैर रखना यानी जोड़ा रखना, एक मेल और फीमेल ये लाजमी होता है। तो ये 2 जोड़े हम रवाना कर रहे हैं इसी पार्सल में। बस आज ख़ास बात कहनी थी रेड कस्टर्ड एप्पल के बारे में। तो रेड कस्टर्ड एप्पल के प्लांट्स अभी हमारे पास दस्तियाब हैं, अलग क्वालिटी के हैं, पौधे बेशक छोटे हैं
साइज में छोटे हैं, तकरीबन चार चार इंच के पौधे हैं, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी वैरायटी है। और चूंकि नायाब रेयर प्लांट्स है तो जाहिर बात है कि इसको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अभी हमारे पास मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेड कस्टर्ड एप्पल बहुत जायकादार और बहुत खूबसूरत फ्रूट का प्लांट है।